स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश टू सेमेस्टर टू पेज नंबर 60 चैप्टर 26 क्वेश्चंस एंड आंसर्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स व्हाट इज क्वेश्चंस एंड व्हाट इज आंसर्स स्टूडेंट इफ आई आस्क यू हाउ आर यू तो ये क्वेश्चन हुआ लास्ट में हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे आंसर क्या होगा आई एम फाइन तो आई एम फाइन जो है वो आंसर है और लास्ट में आंसर के लास्ट में क्या आएगा फुल स्टॉप रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स व्हाट कलर इज दिस पेन अभी पेन का कलर क्या है स्टूडेंट इट इज रेड ये पेन का कलर क्या है रेड कलर है व्हाट इज दिस ये क्या है स्टूडेंट ये कप एंड सॉसेस है ओके दोज आर कप्स एंड सॉसेस What are those? Now इस picture में क्या स्टूडेंट stars दिए हुए sky में stars है so they are stars. Are there children in the park? See यहाँ पर हम picture देखेंगे तो यहाँ पर park में children है Yes. Yes, there are. अब ये second picture में देखो तो slide है and swing है but children's नहीं है So no, there are no children in the park. Now read the following questions and answers. What is your name? Answer. My name is Ashok. How old are you? I am 7 years old. What is your father? My father is a doctor. How many brothers and sisters have you? I have one brother and two sisters. Where do you live? I live at 10 Nehru Street. पहले क्वेश्चन में तो नेम पूछा था कि आपका नाम क्या है सेकेंड क्वेश्चन में आपकी एज क्या है ये पूछा था कि आप कितने एज के हो थर्ड क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट कि आपके फादर क्या करते हैं बिजनेसमैन है डॉक्टर है इंजीनियर है टीचर है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था कि आपको कितने भाई बहन है मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर आपके कितने हैं फिफ्थ क्वेश्चन Where do you live? So, हम क्या बोलेंगे I live in Surat. Page number 61. Exercise. Write answers to the following questions. Now, हमें क्वेश्चन पूछा है और हमें आंसर लिखना है What is the name of little boy standing with you? His name is Ashok. आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आप जो little boy है because pictures नहीं दिया है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि his name is His name is Ram or his name is Anu. How old is your brother? So, आपके brother का age क्या है student ये आपको लिखना है. How far is your school from here? घर से आपका school कितना दूर है? When do you go to bed? मतलब रात में आप dinner के बाद कब सोने जाते हो? So, 9 p.m. I go to bed at 9 p.m. What time is it? अभी कितना time हुआ है? क्या कितने बजे हैं? So it is 7 o'clock now. When do you get up? I get up at 6 a.m. Morning में आप कब उठते हो? Student a.m. means morning. p.m. means evening. Means दोपहर के 12 बजे के बाद से लेके रात के 12 बजे तक आप p.m. बोलोगे. Now रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आप a.m. बोलोगे. Okay? How many children are there in your class? तो आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? There are 40 children in my class. Are your hands clean or dirty? They are clean. अब आपने अगर प्ले किया होगा ग्राउंड में या कहीं आप बाहर गए होंगे तो आपके हैंड्स डर्टी हो गए अभी स्टूडेंट जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो हमें क्या कहा गया है वॉश योर हैंड्स रेगुलरली सो आपको आपके हैंड्स भी वॉश करना है रेगुलरली Who made this cake? My mother made this cake. How many brothers and sisters have you? I have one brother and two sisters. Now let's see the answers, student. Yeah, answers hai, okay? First one. His name is Ashok. He is 7 years old. It is 2 kilometers away. I go to bed at 9 p.m. It is 7 o'clock now. I get up at 6 a.m. There are 40
children in my class? 8. They are dirty. अगर आप खेलने गए होगे तो वो डर्टी हो गए, अगर आप घर पर ही हो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो हैंड्स आपके क्लीन हो गए. माई मदर मेड दिस केक. आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स. CW वन टाइम इन योर टेक्स्ट बुक, HW टू टाइम्स इन योर नोटबुक. थैंक यू.